इधर उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है। वहीं लखनऊ में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर जयवीर सिंह ने कहा कि 2012 से 17 के बीच अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में कुछ नहीं कर पाए, बल्कि उनकी सरकार में गुंडों का बोलबाला रहा। हमारे संवाददाता अनुप त्रिपाठी ने यूपी के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की है। विदेशों से उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार देश के अलग अलग राज्यों से निवेश लाने में जुटी हुई है और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 लाख करोड़ का निवेश मुंबई से लेकर आ रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल अखिलेश यादव ने कमेंट किया। उन्होंने कहा है कि ये जो इन्वेस्टर्स मीट होगी इसका जो परिणाम होगा वो जीरो होगा। बहुत बड़ी बात कही। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह जी। सर, अखिलेश जी का जो बयान आ जाया है, उन्होंने कहा इस इन्वेस्टर्स मीट का परिणाम जीरो होगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सही बात तो है कि अपनी आत्मग्लानी से बाहर नहीं आ पा रहे अखिलेश जी। 12 से 17 के बीच में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो जिस तरह का वातावरण उनके शासन में बना, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, गुंडई, नियोजित तरीके से सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने का काम, ठेका पट्टे में भ्रष्टाचार बेईमानी करने का काम, चौथ वसूली करने का काम उनके पालतू गुर्गों के द्वारा किया गया, वही और उस समय ऐसा वातावरण उन्होंने प्रदेश को ऐसे वातावरण में झोंक दिया जिसमें कोई इन्वेस्टर छोड़ दो, पूंजी निवेश छोड़ दो, लोग अपने को यहाँ आने में सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। उसी का परिणाम था कि एक नए पैसे का कोई निवेशक यहाँ झांकने नहीं आया। आज हमें खुशी, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद जब से आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली और 2014 से जब से आदरणीय मोदी जी ने देश की कमान संभाली, पूरे देश में निवेशकों के लिए आकर्षण का वातावरण बना। खासकर उत्तर प्रदेश में 17 के बाद जिस तरीके से कानून का राज स्थापित हुआ, लाल फीता शाही पर कठोर नियंत्रण करने का काम किया, पूंजी निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण देने का काम किया, विभिन्न जो बेवजह के कानून परेशान करने वाले थे उनको हटाने का काम किया, आज विदेश का और देश का इन्वेस्टर, पूंजी निवेशक, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति सबसे अच्छा वातावरण उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं और यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आतुर हैं। आज कल आदरणीय योगी जी बम्बई में एक दिन में MOU साहब 5 लाख करोड़ से ऊपर के करके आए हैं। विदेश में हम लोग गए थे, 16 देशों में 8 समूह जो हम लोगों के गए थे मंत्रियों के, उसमें भी लगभग 7.5 करोड़ रुपये के MOU हो चुके हैं। कुल मिला के लगभग अब तक 12.5 लाख करोड़ के MOU होने का मतलब प्रदेश का वातावरण औद्योगिक रूप से, रोजी रोजगार देने के रूप से एक नया वातावरण निवेश का बनने जा रहा है जिससे प्रदेश का कायाकल्प होने जा रहा है। ऐसे कायाकल्प के लिए मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि राजनीति तो होती रहेगी, यदि प्रदेश तरक्की करेगा, यहाँ के रोजगार बेरोजगारों के हाथों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, शिक्षित नौजवान जो घूम रहा है उसको नौकरियों के अवसर मिलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश संपन्न होगा, प्रदेश खुशहाल होगा, यहाँ का गांव, गरीब, किसान सबको खुशहाली के मौके मिलेंगे। तो उसके बाद राजनीति तो होती रहेगी, राजनीति तो सेवा करें लोगों की, सरकारें लोकतंत्र में लोगों के सेवा करेंगे, किसको आशीर्वाद मिलेगा जनता तय करती है, लेकिन हम समझते हैं कि उन्हें रचनात्मक और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निर्वहन करते हुए आत्मग्लानी से बाहर आना चाहिए। जो उन्होंने 12 से 17 के बीच में कार्य उन्होंने किए हैं उसके अंदर से कुंठा है, कुंठा से बाहर निकलना चाहिए और प्रदेश सरकार की प्रशंसा अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। विपक्ष का काम है कि जहाँ सरकार अच्छे काम करें उसको सपोर्ट करें, तारीफ करें, सहयोग करें, और जहाँ कुछ उन्हें गड़बड़ लगे वहाँ अच्छे आलोचना करें, सुझाव दें, ये काम विपक्ष का होता है। आखिरी सवाल एक लेंगे कि G20 को लेकर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा आबादी है, निवेश के लिए भी यहाँ तमाम अपार संभावना है, G20 की क्या तैयारियाँ हैं? खबर है कि आपकी तरफ से, विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से खासा इंतजाम किया जा रहा है अभी से। देखिए, 10 फरवरी से 12 फरवरी तक हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। 13 से ही लखनऊ में हमारा G20 का यहाँ आयोजन है जिसमें 125 से 150 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। ये सौभाग्य उत्तर प्रदेश का, सौभाग्य पूरे देश का है।
फक्र और गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को G20 की अध्यक्षता करने का सौभाग्य मिला है। और उत्तर प्रदेश के योगी जी को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 कार्यक्रम G20 के यहाँ आयोजित होने वाले हैं। लखनऊ का सौभाग्य है कि हम 13 से यहाँ उनका आगमन करते हुए उनका स्वागत का मौका हासिल करेंगे। हम लोग जो भी हमारे गेस्ट आएंगे, जो भी हमारे आगंतुक होंगे, हमारे गेस्ट हैं, उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके ठहरने से, खाने से, पीने के लेकर सारी व्यवस्था चाक चौबंद होंगी। जहाँ घूमना चाहेंगे उनको सुरक्षित तरीके से बढ़िया वातावरण में अच्छी सुविधाओं के साथ, हमारा चाहे अयोध्या जाना चाहें, काशी जाना चाहें, जहाँ जहाँ पर्यटक स्थल हैं वहाँ घूमना चाहें, वो सारी व्यवस्थाएँ देंगे। हमारी साज सज्जा चाक चौबंद होगी, लगेगा गलियों से लेकर कूचे से लेकर शहर का सौंदर्यीकरण दिखाई पड़ेगा। टेंट सिटी हम बना रहे हैं जो 5-स्टार लेवल का होगा, या किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, लोगों को एक अच्छा वातावरण मिलेगा, उनकी आवभगत में खान पीन में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लखनऊ की जो एक अपनी तहजीब की नगरी लखनऊ, आवभगत की लखनऊ, गंगा जमुनी तहजीब की नगरी में उनको इस तरह की यादें सहयोग करके भेजेंगे कि जहाँ भी जाएंगे उत्तर प्रदेश की प्रशंसा करते नजर आएँ। अपने देशों में इस तरह की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। आते उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह जी, उन्होंने साफ जवाब दिया है अखिलेश यादव को। उन्होंने कहा कि आत्मग्लानी से बाहर निकलें और सरकार के अच्छे कार्यों के लिए, जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, विकास के लिए यहाँ पर निवेश कराया जा रहा है, उसमें सरकार के साथ हैं और सरकार को बधाई देनी चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ अनुप त्रिपाठी, JK247 न्यूज़।